मारुति सुजुकी एस क्रॉस, यस आज डिस्कस कर रहे हैं मारुति की सबसे प्रीमियम कार एस क्रॉस के बारे में। अब देखिए, इसकी जो सेल्स हैं वो तकरीबन 3 से 4 हज़ार गाड़ियां मारुति सुजुकी हर महीने बेच रहा है। कंपेयर टू मारुति ब्रेजा उसकी गाड़ियां 13 से 14 हज़ार बिक रही है। तो देखिए, सेल्स के हिसाब से देखते हैं तो जो एस क्रॉस की सेल है वो ऑलमोस्ट 1/4 है कंपेयर टू सेल्स ऑफ व्हाट मारुति ब्रेजा इज़ हैविंग। और उसके हिसाब से ये गाड़ी अंडरडॉग है, अंडर परफॉर्मर है। बट ऐसा क्या है एस क्रॉस के अंदर जिसके कारण इसकी सेल्स कम है, या इसके अंदर कोई USP भी है जिसके कारण ये 3 से 4 हज़ार गाड़ियाँ हर महीने बिक रही हैं, और आपको एस क्रॉस कंसिडर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो आज एस क्रॉस का रिव्यू करते हैं, इसके पॉजिटिव्स डिस्कस कर लेते हैं और फिर नेगेटिव्स की बात करते हैं। इट्स अ क्रॉसओवर कार, देखिए आप समझिए उस चीज़ को। इट डज नॉट हैव अ माचो SUV स्टैंस, पर जो क्रोम की फ्रंट ग्रिल मारुति सुजुकी ने इसके फेसलिफ्ट वर्जन में लॉन्च करी है, मशीन कट अलॉय व्हील्स एंड द प्रॉपर लेंथ ऑफ 4.3 meters, इट्स अ प्रॉपर क्रॉसओवर कार। ही किसी भी एंगल से कॉम्पैक्ट कार नहीं लगती है, हाइट बड़ी प्रोपोर्शनेट है, गाड़ी के जो लुक्स हैं रोड पे जब चलती है स्पीड से, इट इज़ सर्टेनली एन आई कैंडी। बढ़िया लुक्स है मारुति सुजुकी एस क्रॉस के। इंटीरियर एस्थेटिक्स आप देख रहेंगे, इसके जो डैशबोर्ड में सॉफ्ट टच डैशबोर्ड है, पियानो ब्लैक फिनिश का जो काम हुआ है डैशबोर्ड के अंदर, सेंटर कंसोल में A1 7-inch का मारुति सुजुकी का टच स्क्रीन मल्टीमीडिया, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले का स्मार्ट प्ले मल्टीमीडिया नेविगेशन सिस्टम, वो बढ़िया लगता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर जो वॉइस कमांड्स है वो आसान है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अच्छा खासा लगता है, प्रीमियम आपको फिट एंड फिनिश लगती है। तो कहने का आइडिया यह है, जो लोग को मारुति सुजुकी की कार के अंदर ही प्रीमियम स्टाइलिंग प्लस प्रीमियम इंटीरियर एस्थेटिक्स चाहिए, देन दिस इज सर्टेनली द बेंचमार्क एज ऑफ नाउ इन एंटायर मारुति सुजुकी रेंज। बढ़िया काम किया है मारुति सुजुकी ने, थम्स अप टू मारुति सुजुकी फॉर इट। जो नंबर 2 मारुति सुजुकी एस क्रॉस की बढ़िया चीज़ है वो है इसकी सेफ्टी। मारुति इसके अंदर ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स ऑफर कर रहा है आज की तारीख में, जो इस सेगमेंट में किसी गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा, लीविंग असाइड बलिनो RS, क्योंकि वो प्रीमियम हैचबैक है इसलिए उसको कंसिडर नहीं करते, मारुति सुजुकी की फैमिली से है। लेकिन एस क्रॉस की जो ब्रेकिंग है वेरी इफेक्टिव एंड A1 गाड़ी के अंदर आपको ABS, ABD, ड्यूल एयरबैग्स की सेफ्टी स्टैंडर्ड मिलती है, वो बढ़िया है। हालांकि मारुति सुजुकी डिफरेंशिएट करने के लिए, बिकॉज इसकी प्रीमियम रेंज है, दे कुड हैव ऑफर्ड इन अ डिफरेंशिएशन ऑफ 6 एयरबैग्स और ESP जो इनके इंटरनेशनल वर्जन में है, बट इंडिया में अभी तो फिलहाल मारुति सुजुकी ड्यूल एयरबैग्स ही ऑफर कर रहा है। और अच्छी बात यह, अब इसको उन्होंने स्टैंडर्ड कर दिया है, ऑल 4 आपको डिस्क ब्रेक्स मिल रहे हैं, तो सेफ्टी के हिसाब से, बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से गाड़ी बढ़िया लगती है। अगर आप इसके डोर ओपन करके क्लोज करेंगे, एक आपको फील आएगी कि डैट दिस इज सर्टेनली नॉट लाइक अदर मारुति सुजुकी कार्स, इसकी बिल्ड में कुछ ना कुछ फ़र्क है, और यही मारुति सुजुकी एस क्रॉस को एक प्रीमियम एक्सपीरियंस के साथ डिफ्रेंशिएट करता है। जो नंबर 3 मारुति सुजुकी एस क्रॉस की बढ़िया बात है, इसको गाड़ी का चलाने का परफॉर्मेंस, देखिए मैं बताता हूँ आपको, एस क्रॉस में, क्योंकि आप जानते हैं डीजल में आती है, पेट्रोल में नहीं आ रही है, टर्बो चार्जर होता है डीजल इंजन के अंदर, तो देखिए क्या है इसको चलाने का तरीका है। स्मार्ट हाइब्रिड के साथ गाड़ी आ रही है, तो टिल 1800 to 2000 RPM, यानी 1800 से 2000 RPM तक स्लो स्पीड में, इट्स अ रिलैक्स कार टू ड्राइव इन। आपको ऐसा नहीं मिलेगा क्योंकि आप सडनली एक्सेलरेट करेंगे और गाड़ी भागेगी, 1800 से 2000 RPM तक इट्स अ रिलैक्स कार। पर जब आपको सडन सर्ज चाहिए, जैसे ही गाड़ी का RPM 2000 RPM क्रॉस करता है, इट टर्न्स इनटू अ डिफरेंट एनिमल। गाड़ी का जो रॉकेट, मैं बताऊँ आपको, गोली बन जाती है, जो टर्बो चार्जर में प्ले आता है, इट लीड्स टू अ वेरी एंथुजियास्टिक परफॉर्मेंस टिल द टाइम यू रीच 4000 RPM। तो कहने का आइडिया ये है, कुछ लोग कहते हैं जी टर्बो लैग है, टर्बो लैग नहीं है भाई साहब, टर्बो चार्जर 2000 RPM से एक मारुति ने डिज़ाइन किया है, उसके बाद जिनको पिकअप चाहिए, देन इट एंटर्स इनटू अ डिफरेंट एरेना, उससे कम स्पीड पे इट्स अ रिलैक्स ड्राइव। ऐसा नहीं है कि आपको गाड़ी में पिकअप में प्रॉब्लम लगेगी, इट इज़ अ वेरी डिसेंट लीनियर पिकअप टिल 2000 RPM, और उसके बाद आपको चलाने में बहुत बढ़िया लगेगी। स्टीयरिंग हालांकि 5.5 मीटर टर्निंग रेडियस हो गई है, पर स्टीयरिंग जो गाड़ी के डायनामिक्स है वो आपको बढ़िया लगेंगे, इट्स अ फीडबैक बहुत ही बढ़िया है। सस्पेंशन डायनामिक्स मारुति ब्रेजा और एस क्रॉस में सिमिलर मिलेंगे, तो एस क्रॉस के जो सस्पेंशन डायनामिक्स है, इट कैन ईजिली टेक ऑन एंड क्रूज ऑन बैड रोड्स एट एब्सोल्युटली ईज, उसमें कोई दो राय नहीं है। गाड़ी चलाने में आपकी जो विजिबिलिटी है फ्रंट में, रियर में, साइड में, वो बढ़िया है।
आपने अगर कोई भी मारुति सुजुकी कार चलाई है, उससे आप एस क्रॉस में अपग्रेड कर रहे हैं, इट यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू ड्राइव इन क्लच, अनलाइक सम ऑफ द अदर कार्स इज रीजनेबली ओके। जो नंबर 4 मारुति सुजुकी एस क्रॉस का प्लस पॉइंट है वो ऑफ कोर्स माइलेज एंड मेंटेनेंस, इसमें स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम आता है, हालांकि आप उसको चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं। उसका पर्पस ये होता है, जैसे गाड़ी आप चला रहे हैं, माने रेड लाइट पे गाड़ी स्टॉप होती है, तो उस केस में गाड़ी का इंजन ऑफ हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी चलाई और 5 मिनट बाद ही आप रेड लाइट पे रुके और गाड़ी का इंजन ऑफ हो गया। देयर आर सर्टेन सेंसर्स जिसके बेसिस पे कार का ये डाटा कलेक्ट करता है कि कार के अंदर कितना टेम्परेचर है, कार के अंदर कितनी कूलिंग है, और उन सब चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद ही वो स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम इंजन ऑफ करता है। पर अगर आपको फिर भी इसमें दिक्कत लगती है, देन यू हैव एन ऑप्शन टू टर्न ऑफ दिस स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑल्सो। गाड़ी की जो माइलेज है वो बढ़िया है, आपको 17 से 18 kmpl सिटी के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन अ हाईवे यू कैन एक्सपेक्ट 22 टू 23 kmpl विच मेक्स इट वेरी गुड। मेंटेनेंस के हिसाब से भी मारुति सुजुकी एस क्रॉस की मेंटेनेंस सर्विस कॉस्ट रीजनेबल है। आप वीडियो के ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं मारुति सुजुकी एस क्रॉस की मेंटेनेंस सर्विस शेड्यूल और सर्विस कॉस्ट के बारे में। इट इज़ वेरी रीजनेबल कंपेयर टू अदर कार्स इन द सेगमेंट। और जो नंबर 5 प्लस पॉइंट है मारुति सुजुकी एस क्रॉस का, वो कार के अंदर स्पेस, बढ़िया स्पेस है। जो सीट्स हैं वो वेल कुशनड है, बढ़िया है बैठने में। रियर के अंदर भी आपको लेगरूम स्पेस बहुत ही बढ़िया मिलेगी। माय हाइट इज 5'11", फ्रंट पे रख के भी आप रियर में पिक्चर में देख सकते हैं, बढ़िया स्पेस है लेगरूम के अंदर। शोल्डर रूम स्पेस भी गाड़ी के अंदर बढ़िया है, हालांकि बीच में रियर में थोड़ा सा फ्लोर इंट्रूशन मिलेगा, बट स्टिल इट्स अ रीजनेबली कंफर्टेबल कार फॉर 5 अडल्ट्स। तो ये मारुति सुजुकी एस क्रॉस की बात है। बूट स्पेस भी मारुति सुजुकी एस क्रॉस की अराउंड 350 लीटर्स है, विच इज अराउंड 10% बिगर देन मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। तो बूट स्पेस के हिसाब से स्पेशियस केबिन भी आपको मिलता है, तो फीचर्स में कोई कमी नहीं है। जेटा में आपको बढ़िया फीचर्स मिलते हैं, अल्फा के अंदर आपको फुल्ली लोडेड प्रीमियम लेदर अपोस्टी मिलती है, एलईडी प्रोजेक्टर, हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल्स, पर जेटा के अंदर भी रीजनेबली गुड फीचर्स हैं, इंक्लूडिंग स्मार्ट प्ले, मल्टीमीडिया नेविगेशन सिस्टम, मशीन कट अलॉय व्हील्स, सीयर सीट की जो सीट्स हैं वो भी रिक्लाइन हैं, तो आप बढ़िया तरीके से आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। कुछ मिसेज भी हैं मारुति एस क्रॉस में, वो भी जानना जरूरी है। देखिए पहली चीज़ क्या है, एस क्रॉस की जो टर्निंग रेडियस है इट इज़ स्लाइटली ऑन अ हायर साइड, 5.5 मीटर टर्निंग रेडियस है, विच इज इवन हायर देन मोस्ट ऑफ द मिड सेडान कार्स, मोस्ट ऑफ द एसयूवी कार्स। मारुति ब्रेजा की टर्निंग रेडियस 5.2 मीटर्स, ह्यूंडई क्रेटा की 5.3 मीटर्स, सो टर्निंग रेडियस थोड़ी सी आपको ज्यादा मिलेगी। प्लस जो उसका स्टीयरिंग है, ऑल दो फीडबैक बहुत बढ़िया है, बट स्टीयरिंग के जो लुक्स हैं इट इज टिपिकल लाइक अदर मारुति सुजुकी कार्स। जो नंबर 2 है वो ये है कि मारुति की एस क्रॉस जो है इट is a crossover, it is not a proper SUV. देखिए काफ़ी लोग की एस्पिरेशन होती है that they are looking for a proper SUV. Hyundai Creta, Renault Duster, XUV 500, अगर आपको हायर सेगमेंट है तो उस केस में आपको वो गाड़ियाँ पसंद आएंगी। इवन टाटा की हेक्सा ऑल्सो, अगर आप टॉप एंड एस क्रॉस लेना चाह रहे हैं तो देखिए उनका बजट हो सकता है थोड़ा बढ़ जाए, बट दीज आर प्रॉपर SUV cars इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इन टर्म्स ऑफ आपकी जो सीटिंग है वो थोड़ी सी रेज्ड होगी, और लुक्स के हिसाब से भी दीज आर प्रॉपर SUV. एस क्रॉस लुक्स लाइक अ crossover. जो नंबर 3 एस क्रॉस में कमी है, देखिए वो ये है कि गाड़ी के अंदर जो ट्रांसमिशन है वो आपको मिलेगा केवल मैनुअल के अंदर। आजकल क्या है, इंडियन कंज्यूमर्स आर डिमांडिंग ऑटोमेटिक ऑल्सो, प्लस देयर इज एन एफिनिटी टुवर्ड्स पेट्रोल ऑल्सो। ह्यूंडई की जो क्रेटा की सेल है वो ऑलमोस्ट 30% पेट्रोल के अंदर बिक्री है, तो अभी तो एस क्रॉस आपको डीजल में ही मिलेगी और मैनुअल ट्रांसमिशन में ही अवेलेबल है, ऑटोमेटिक में इसका ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, पेट्रोल में भी अवेलेबल नहीं है। उम्मीद ये थी कि शायद जो RS एडिशन बलिनो का 1 लीटर बूस्टर जेट इंजन है वो शायद एस क्रॉस में आए, बट फिलहाल अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपको वो देखना होगा। जो नंबर 4 मारुति एस क्रॉस के अंदर है वो थोड़ी सी आपको प्राइसिंग प्रीमियम लगेगी कंपेयर टू मारुति ब्रेजा, और यही रीज़न है कि मारुति एस क्रॉस की सेल उतनी ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू मारुति ब्रेजा। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या है, जब मारुति एस क्रॉस जब इनिशियली लॉन्च हुई थी इट वॉज मार्क्ड ऑन अ स्लाइटली प्रीमियम प्राइसिंग, और इसकी जो प्राइसिंग थी वो ह्यूंडई क्रेटा से ओवरलैप कर रही थी। उस टाइम में कंपनी ने इसमें डिस्काउंट्स ऑफर करें और बाद में इसका फेसलिफ्ट वर्जन निकाल दिया, बट एस क्रॉस की सेल्स कभी पिकअप नहीं हो पाई। मारुति ब्रेजा की जब प्राइसिंग लॉन्च हुई थी 6.99 लाख से आई बिलीव सो, देन इट वॉज स्टार्टेड टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग उस टाइम के अंदर, और ब्रेजा टर्न्ड आउट टू बी एन इंस्टेंट सक्सेस। लेकिन अगर आप ब्रेजा और एस क्रॉस में एज अ प्रोडक्ट ऑफर कंपैरिजन करेंगे तो देख लीजिए, एस क्रॉस इज अ सुपीरियर वैल्यू बाय।
हर चीज में बताऊं मैं आपको, इंटीरियर एस्थेटिक्स में, एक्सटीरियर की आप फ्रंट ग्रिल देख सकते हैं, इसके मशीन कट अलॉय व्हील्स भी मुझे ब्रेजा के अलॉय व्हील से बेहतर लगे। गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm है कंपेयर टू ब्रेजा जो 198 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, और उसकी जो हाइट है वो ब्रेजा के मुकाबले थोड़ी सी कम है। पर इसका एक फ्लिप साइड भी है कि ये गाड़ी की जो ओवरऑल हैंडलिंग है वो आपको ब्रेजा के मुकाबले बढ़िया लगेगी, बिकॉज जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा सा कम है कंपेयर टू मारुति ब्रेजा, तो गाड़ी की जो ओवरऑल डायनामिक्स है वो आपको बेहतर लगेंगे कंपेयर टू मारुति ब्रेजा। बॉडी रोल आपको कम मिलेगा, गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको ब्रेजा के मुकाबले बेहतर लगेगी, रियर सीट में जो रिक्लाइन फिनिश है वो बढ़िया लगेगा, फीचर्स में जो टॉप एंड में है वो आपको बढ़िया लगेंगे। तो एज अ प्रोडक्ट पर से देन मारुति एस क्रॉस इज सर्टेनली अ वैल्यू बाय प्रोडक्ट प्लस अ सुपीरियर प्रोडक्ट ऑफरिंग कंपेयर टू मारुति ब्रेजा। अब ब्रेजा क्यों बिक रही है, एक तो प्राइसिंग के कारण, और दूसरा उसमें कहा जाता है सेम इंजन है, तीसरा एसयूवी है, चौथा ग्राउंड क्लियरेंस है। अब आप वो देख लीजिए कि आपको ब्रेजा लेनी है इन चार चीज़ों के लिए, या यू वांट अ बेटर बिल्ड क्वालिटी, यू वांट अ रियर डिस्क ब्रेक्स, या यू वांट अ प्रीमियम स्टाइलिंग अपील इन इंटीरियर्स एक्सटीरियर्स प्लस अ बेटर रियर सीट लेग रूम इंक्लूडिंग रिक्लाइन रियर सीट, और बिल्ड क्वालिटी भी गाड़ी की बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ इन केस यू लाइक इट देन प्लीज डू अ वोट फॉर इट। चैनल माइकर हेल्पलाइन को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी वीडियोस अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो और लोगों को शेयर करिए, इट ओनली गिव्स अ कॉन्फिडेंस एंड एनकरेजमेंट ऑल्सो। थैंक यू।